अथ सप्तविंशो अध्याय कुमारी पूजा में निषिद्ध कन्याओं का वर्णन नवरात्र व्रत के महात्म के प्रसंग में सुशील नामक वणिक की कथा। व्यास उवाच। धनी रे गा मामा रे गा पामा गा पा गारे निसा धनी रे गा पामा रे गा पामा गा पा गारे निसा जये कन्या कुष्ठयुक्तं व्रणांकितां गंधस्फुरितहीनांगीं विशालकुलसंभवां। व्यास जी बोले, हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोर तथा घाव युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जात्यं धाम के करां काल पुरुपां बहुरोमशा संत्यजेद्रो किणिं कन्यां रक्त पुष्पादिनांकिता। जन्म से अंधी तिरछी नजर से देखने वाली कानी कुरूप बहुत रोम वाली रोगी तथा रजस वाला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। क्षमां गर्भ समुद्धूतां पुलकां कन्यकोद्भवां वर्जनीयः सदा चैता सर्व पूजादि कर्मसु। अत्यंत दुर्बल समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सरलता त्याज्य है। अरोगिणीं स्वरूपांगीं सुंदरीं व्रणवर्जितां एक वंश समुद्भूतां कन्यां सम्यक् प्रपूजयेत्। रोग से रहित रूपवान अंगों वाली सौंदर्यमयी व्रण रहित और एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। प्रमाणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृप वंशजा लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मता वाशुद्र वंशजा। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्रह्मण ब्रह्म जहाँ पूजा राजन्य ब्रह्म वंश जहाँ वशिष्ठ वर्ग जहाँ पूजा छत्र पद संभव है कारुभिश्चैव वंशोत्थ यथा योग्यं प्रपूजये नवरात्र विधानेन भक्ति पूर्वं सदैव हि अशक्तो नियतं पूजा कर्तुं चेन्नवरात्र के अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ग में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्पकर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करना चाहिए। पुराष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञ विनाशिनी प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अष्टोष्टम्यां विशेषेण कर्तव्यं पूजनं सदा नाना विधोपहारैश्च गंधमाल्यानुलेपनैः पायसरामीशैर्होमैः ब्रह्माणां च भोजनैः फलपुष्पोपहारैश्च तोषयजगदम्बिकाम्। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों गंधमाला चंदन के अनुरे पायस आदि के हवन ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। उपवासे नवरात्र व्रते पुनः
उपोषण त्रयम् प्रोक्तम् यतोक्तम् फलदम् नृप। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। सप्तम याम च तथाष्टम नवम याम भक्ति भावतः त्रिरात्र करणात् सर्वम् फलम् भवति पूजनात्। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजा विषैव होमैश कुमारी पूजनैस्तथा संपूर्णं तत्र तं प्रोक्तं विप्राणां चैव भोजने। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। व्रतानि चानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्यास्य नवतुल्यानि भूतले धन धान्य प्रदं नित्यं सुख संतान वृद्धिदम् आयुरारोग्यदम् चैव स्वर्गदम् मोक्षदम् तथा। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला होता है। विद्यार्थी व धनार्थी व पुत्रार्थी व भवे नरः तेन इदं विधिवत् कार्यं कृतं सौभाग्यदं शिवम्। अतः विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। विद्यार्थी सर्व विद्याम् प्राप्नोति व्रत साधनात् राज्य भ्रष्टो नृपो राज्यं समवाप्नोति सर्वदा। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्मनि यर्मेन न कृतं व्रतमोत्तमम् दिव्याधीनोदरेन्द्राश्च भवन्ति पुत्रवर्जिताः। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोग ग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। वंध्या चाया भवे नारी विधवा धन वर्जिता अनुमतत्र कर्तव्य नियम कृतवती व्रतम्। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। नवरात्र व्रतम् प्रोक्तम् न कृतम् येन भूतले सकथम् विभवम् प्राप्य मोदते च तथा दिवे। इस पृथ्वी लोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है। रक्त चंदन सम्मिश्र कोमल बिल्व पात्र कह भवानी पूजितायेन स्वभावेन्द्रपति कृतौ। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी तल पर राजा होता है। नाराधीतायेन श्रीवासनातनी दुःखार्तिहा सिद्धि कारी जगद्वरा दुःखावृतः शत्रु युतश्च भूतले नूनं दरिद्रो। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ शाश्वत तथा कल्याण रूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। याम विष्णुरिन्द्र हर पद्म जो तथा वहने कुबेरो वरुणो दिवाकर ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्तिनन्दितास्तां किमनुष्यन् भजन्ति चण्डिकाम्।
विष्णु इंद्र शिव ब्रह्मा अग्नि कुबेर वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते। स्वाहा स्वधाना मामानु प्रभवैस त्रिप्यन्ति देवः विस्तरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु उदाहरन्ति यन्नाम युग्मं श्रुतिभिर्मुनीन्द्रः। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण सुधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं, इसीलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं सुधा नामों का उच्चारण करते हैं। सृजति विश्वमिदं प्रजेषु नानावतारकलनं कुरुते हरिश्च नूनं करोति जगत कीरभस्म शम्भुस्तां शर्मदां न भजते लोकाथं मनुष्यः। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मसात करते हैं, उन कल्याणकारी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं भजता। राक्षस पिशाच नागेषु नूनं यः स्पन्दितुं भवति शक्तियुतो यथेक्षम्। सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता मनुष्य पक्षी सर्प गंधर्व राक्षस पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदित होने में समर्थ हो। सेवित कश्चंडि सर्वकामार्थदाक्षिणाम् व्रतं तस्य न कः कुर्यात् वक्षन्नर्थ चतुष्टयम्। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा। चारों प्रकार के पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष और चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा। महापातक संयुक्त नवरात्र व्रतं चरे मोच्यते सर्व पापेभ्यो नात्र कार्य विचारः। यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है, इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। पूरा कश्चित् प्राणिनो धनहीनः सुदुःखितः कुटुम्बे चाभवत् कश्चित् कोसले नृपसत्तमः। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कोसल देश में दीन धनहीन अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। अपत्यानि बहुनस्य पवक्षु पीडितानि च पक्षं किञ्चित् तु सायाह्ने तपोस्तस्य च बालकः मुक्ते स्म कार्यकर्तासु परस्य बुभुक्षितः कुटुम्ब भरणं तत्र चकाराति निराकुलः। उसकी अनेक संतानें थीं जो धनाभाव के कारण सुधा से पीड़ित रहा करती थी। सायंकाल में उसके लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्य पूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। सदा धर्म रतः शांत सदाचारश्च सत्यवाक् अक्रोधानश्च धृतिमान् निर्मदश्च न सूयकः। वह सर्वदा धर्म परायण शांत सदाचारी सत्यवादी क्रोध न करने वाला धैर्यवान अभिमान रहित था, ईर्ष्याहीन था। संपूज्य देवता नित्यं पितृनप्यतिथिं तदा भुञ्जाने पोष्य वर्गेथ कृतवान् भोजनं वणे। प्रतिदिन देवताओं पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के उपरांत स्वयं भोजन करता था। एवं गच्छति काले सुशीलो नाम तो गुणः दादित्यतो द्विजं शांतं पप्रक्षाति बुभुक्षितः। इस प्रकार को समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उन मणिक ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा, सुशील उवाच, भूदेव कृपां कृत्वा वद स्वाद्य महामते
कथम दरिद्रनाशः स्यादिति मे निश्चयेन वै। सुशील बोला, हे महाबुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। कुटुंब धारणार्थम परीक्षामि त्वां दीजोत्तम। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे दृष्टेश, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन संपन्न हो जाऊँ। पुत्री सुतस्तु मे बाल पक्षार्थी रोदते भृशम तवन मात्रम गृहे नान्नम मुष्टि मे काम तदम्यहम। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं होता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। विसर्जितो यतो बेहन गतो बालो रुदन्मया आत्मेता यते त्यर्थम किं करोमि धनं विना। रोते हुए बालकों को मैंने घर से निकाल दिया और चला गया, इसीलिए मेरा हृदय शोकाग्नि में जल रहा है, धन के अभाव में मैं क्या करूँ। मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है, अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है और इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। तेन शोचामि विप्रेन्द्र सर्वज्ञोऽसि दयानिधे तपोदानं व्रतं किञ्चित् रोहि मन्त्रं जपं तथा येनाहं पोष्य वर्गस्य करोमि द्विज पोषणं तावन्मे स्याद्धन प्राप्तिर्तधिकं प्रार्थये किल। हे विप्रेन्द्र, इसीलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे ध्यानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत मंत्र तथा जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊँ। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता। प्रसादात कुटुंबम सुखितम प्रभवेदिह तत्पुरुषो महाभाग ज्ञानेन परिचिन्त्य च। महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है, अतः आप अपने ज्ञान बल से भली भांति विचार करके वह उपाय बताइए। व्यास उवाच। इति प्रेष्टस्तथा तेन ब्राह्मणः संशितव्रतः उवाच परम प्रीतस्तं वश्यं नृपसत्तम। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वैश्य से कहा। वैश्यवर्य कुरुष्वाद्य नवरात्र व्रतं शुभम पूजनं भगवत्याश्च हवनं भोजनं तथा वेदपारायणं शक्ति जप होमादिकं तथा पुरुष्वाद्य यथा शक्ति तव कार्यं भविष्यति। हे वैश्यवर्य, अब तुम इस पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोज, वेद पाठ, उनके मंत्र का जाप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे तस्माद् परम किंचित् व्रतं नास्ति धरातले नवरात्राभिदं वैश्य पावनं सुखदं तथा। हे वैश्य, नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ज्ञानदं मोक्षदं चैव दुःख संतान वर्धनम शत्रुनाशकरं काम नवरात्र व्रतं सदा। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। रज्यभ्रष्टेन रामेण सीताविरहितेन च किष्किन्धायां व्रतं चैतत् कृतं दुःखतुरेण वै प्रतत्तेनापि रामेण सीताविरहवह्निना विधिवत् पूजिता देवी
नवरथ व्रति नवे। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग में अत्यंत दुखित राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता के विरहाग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भलीभांति पूजा की थी। तेन प्राप्तार्थ वैदेहि कृत्वा सेतु महाणवे हत्वा मन्दोदरी नाथं कुम्भकर्णं महाबलम् मेघनादं सुतं हत्वा कृत्वा भूपं विभीषणं पश्चादयोध्यामागत्य प्राप्तं राज्यं कंटकम्। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना कर महाबली मंदोदरी पति रावण कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का संहार करके सीता को प्राप्त किया। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। नवरात्र व्रतस्यास प्रभवेण विश्वाम्बर सुखं भूमि तले प्राप्तं रामेणामित तेजसा। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त किया। व्यास उवाच। इति विप्रवचः श्रुत्वा सवैश्यस्तं द्विजं गुरुं कृत्वा जग्राह सन्मत्तं मयाबीजाभिधं नृप। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। जजाप भर्या भक्त्या नवरात्र मतंद्रितः नानाविधोपहारैश्च पूजयामास सादरम् नव संवत्सरम् चैव माया बीज परायण नवमे वत्सरान्ते तु महाष्टम्यां महेश्वरी अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षं दर्शनं ददो धनवर प्रदानैश्च कृतकृत्यं च कारकम्। तत्पश्चात अलस्यहीन होकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूरे नवरात्र भर उसने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार मायाबीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से कृतकृत किया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्र्यां संहितायां तृतीय स्कंधे देवी पूजा महत्व वर्णन नाम सप्तविंशो अध्यायः।